So this sums up the second question. Now the third question we have is, so here is a gentleman who says, इनका क्वेश्चन भी ऊपर वाले से कुछ मिलता जुलता है बट थोड़ा सा स्पेसिफिक है. सो ही सेज, सो द जेंटलमैन इज अतुल शर्मा. सो हाय अतुल, आई गेस यू आर ऑनलाइन, यू विल बी वॉचिंग ऑनलाइन. सो अतुल सेज, सर प्लीज टेल मी व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच शुड आई नोटिस फ्रॉम अदर्स स्टोरी ड्यूरिंग पीपीडीटी डिस्कशन, प्लीज एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल. ऑलराइट, वैसे कुछ हद तक मैंने इसका आंसर ऊपर भी कवर करा बट आई विल बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन. तो आपने कहा कि जी पीपीडीटी में हम और लोगों से क्या व्यूज, उनका क्या चीज को देखें, जिस चीज से, व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड टेक फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अदर्स व्हाइल द डिस्कशन इज गोइंग ऑन. देखिए अतुल, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बोलूंगा, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से एंड सजेस्ट यू, आप प्लीज समझिए पीपीडीटी का मकसद क्या है. देखिए हम कोई भी काम करते हैं ना, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, एवरीथिंग व्हाट वी डू वी नेवर अंडरस्टैंड द रूट कॉज एंड वी नेवर अंडरस्टैंड द व्हाई इट इज बीइंग कंडक्टेड. टिल द टाइम वी डोंट नो द रीजन फॉर द इंडक्शन ऑफ दैट प्रोसेस और दैट स्टेप, वी विल नॉट एबल टू क्रैक इट एट एनी कॉस्ट. वो बात अलग है कि आपसे तुके में क्रैक हो जाए और आप कहेंगे नहीं मैंने तैयारी करी है. But this is not the fact. The fact is you need to understand why it is conducted. As I rightly said, PPDT का मकसद है आपके perception level को देखना, thought process को देखना, कि आपका जो default thought process है, जो आप इंसान है, right? So you as a person carry an ego with you. Ego blended with the personality traits, आपकी अपनी खुद individuality है. वो जो individuality है, वो Indian Armed Forces के साथ कितनी aligned है. करेक्ट, दैट इज द सोल रीजन ऑफ पीपीडीटी. करेक्ट, अब पीपीडीटी में कुछ ऐसा नहीं है कि जी कोई आपको क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना है कि किसी ने आपकी स्टोरी में बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बोले, जिसमें आप ये ले लीजिए उसने स्टोरी को बड़ा बड़ा ब्यूटीफाई करके बोला तो आपको यार मैं भी ब्यूटीफाई करके बोलूँ. सी पीपीडीटी इज नॉट द टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट टेस्ट, इट इज अ टेस्ट इन ऑर्डर टू एसेस योर ओएलक्यूज, that whether they are inclined with Indian Armed Forces, is there any contradiction of the OLQs with your personality or not. So the only thing that you need to keep in mind is stay focused, which means stay focused and listen to everyone with open-mindedness, which means you do not have to copy others. आपको सबको सुनना है, क्यों सुनना है, consciously सुनना है, दिमाग खोल करके सुनना है. वो इसलिए सुनना है ताकि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है जो भी हम सारी की सारी डील करेंगे, अगर आपको याद हो, जिसमें मैं कुछ कर भी चुका हूं कवर, सोशल अडैप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन. अब आप लोगों के साथ कितना घुल मिल रखे हैं वो इस चीज से दिखता है कि हाउ मच गुड लिसनर यू आर, आप लोगों को कितना सुनते हैं. आप लोगों को सुनिए, उनको वेलकम कीजिए, और अगर किसी का पॉइंट बहुत अच्छा उसने बोला तो उसको अप्रिशिएट भी कीजिए डिस्कशन. बट when it comes to you narrating or going with a discussion, at that particular point of time, just remember one thing, you need to remain focused. So what I mean by focused is, aap apne pe concentrate kijiye, aur apne pe concentrate ka matlab ye hai, ki whatever story you come up with, whatever discussion you come up with, that should not be offensive at any point of time. Offensive to the officers like quality. So example मैंने जैसे शेयर करा, मैं फिर कर देता हूँ. आपने कहा एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ले लीजिए, एक हेजी सी आपने पिक्चर देखी, तो उस हेजी सी पिक्चर में मान लेते हैं कि कुछ ऐसी सी पिक्चर थी जहाँ पर एक लड़का है, उसके आसपास कुछ फ्रेंड्स हैं, और एक मार्केट का सीन चल रहा है, ठीक है जी, और भीड़ है और कुछ वहाँ पर चीज़ें रखी. अब अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, देयर कुड बी एट एनी लेवल ऑफ परसेप्शन कुड बी देयर और कुछ भी थॉट आ सकते हैं, बट अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो देयर कुड बी थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी लाइन आई कैन फॉर्म. मैं उसको एक्सपैंड जैसे मर्जी कर लूं, बट ब्रॉडर मोटा मोटा तीन स्टोरी लाइन बन सकती है. क्या, एक जिसमें मैं ये कहता हूँ जी ये हीरो है, फ्रेंड्स के साथ है, एंड
व्हाट हैपेंड, वो लोग घूमने के लिए गए, एक मेले में घूमने के लिए गए वहाँ पर. एट दैट पर्टिकुलर इट वॉज लेट्स से इट वॉज अ दिवाली मेला फॉर एग्जाम्पल, एंड देवर एक्चुअली रोमिंग एंड देवर एंजॉइंग. And at that moment, what they actually recognized that somebody, there was a thief, he was running, he snatched somebody's purse and he's running. So, aapne ek initiative liya and you also started running and aapke friends ne smartly dusre area se usko cover up kara and aapne boldly aur courageously dekhte hue usko bilkul you hold him aur aapne usko pakad liya. This could be one storyline ki aapne ek wo kara. सेकेंड थॉट क्या हो सकता है कुछ भी, कि आप गए, यू वेंट देयर, यू एंजॉयड, यू प्लेड, यू डिड एवरीथिंग एंड इट वॉज अ ग्रेट फन एंड योर अल्टीमेट मिशन ऑफ हैविंग अ फन विद योर फ्रेंड्स वॉज अकम्प्लिश्ड एंड यू केम बैक. दिस कुड बी सेकेंड. थर्ड कुड बी जहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा उस सेंट्रल हीरो, आई एम सॉरी, जो आपने जिसको एक सेंट्रल करेक्टर माना है. जब आप पीपीडीटी पे आएंगे तो मैं बताऊंगा कि पूरी उसमें एक सेंट्रल करेक्टर आप किसी को मानना होता है जो कि कोई और नहीं है, कायदे से वो आप ही हैं, आप अपने आप को मान रहे हैं. तो वो जो हीरो है उसको आप नेगेटिव टच दे देते हैं. नेगेटिव टच मतलब उसने वहां पर कुछ, मान लीजिए वहां गया और किसी से उसका कुछ भी, लेट्स से देयर वाज अ क्वेरल, देयर वाज अ फाइट एंड वी फॉट विद दैट पर्सन एंड वी वर फ्रेंड्स सो वी वर एबल टू डिफीट हिम एंड वी वर सो हैप्पी. ये आपको कहीं कहीं नेगेटिव दिखाता है. जिसका माइंड बहुत नेगेटिव है वो कहीं उस हीरो को, जो इनडायरेक्टली जिसको वो अपने आप ही प्रोजेक्ट कर रहा है, वो उसको यही ना दिखा दे कि उसने दे वेंट देयर एंड जस्ट फॉर फन दे डिड अ शॉप लिफ्टिंग, उन्होंने चुपचाप जाके दुकानों से सामान उठाना शुरू कर दिया. अब इन सब में अगर आप देखेंगे ना, सारी स्टोरी लाइन से आपका एक थॉट प्रोसेस निकल के आ रहा है कि जी आप इंसान कैसे हैं और आप सोचते कैसे हैं. और बस यही एक चीज है जिससे वो पकड़ लेंगे कि आप को हमें 5 दिन के लिए एसेस करना है या पहले दिन ही घर वापस भेज देना. जो केस है आपका, जब आप नेगेटिव हैं चाहे कम है ज्यादा है, उसमें तो उन्होंने पहले दिन ही घर भेजना है. जहां पर आपकी दिख रही है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट, करेज, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, सारी चीजें दिख रही हैं, तो वहां तो आप स्क्रीनिंग क्लियर करेंगे ही करेंगे. एंड फाइनली जहां न्यूट्रल है, जहां आपने दिखाया हम गए एंड वी हैड अ ग्रेट फन एंड यू वी केम बैक, वहां कोई आप मिशन ओरिएंटेड नहीं दिख रहे, आप बहुत कैजुअल इंसान है. तो उस केस में डिपेंड करता है एसएसबी बोर्ड से बोर्ड पर कि हाउ ही इज एबल टू इवैल्यूएट यू इन अदर वेज. अगर आपकी थोड़ी और चीजें स्ट्रांग हुई तो ही माइट गेट यू थ्रू द स्क्रीनिंग सो एज टू चेक कि चलिए आगे इस बच्चे को, एस्पायरेंट को हम चेक करते हैं. सो दैट्स अ वे टू क्रैक द पीपीडीटी. एंड इन सारी चीजों को जब आप करेंगे, द ओनली वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज जस्ट बी रिमेन कॉन्फिडेंट विद योर व्यूज. व्हेन यू स्पीक, स्पीक कॉन्फिडेंटली विद एवरीवन, डोंट हेजिटेट, कम अप विद योर व्यूज, डोंट फील इनफीरियर. क्योंकि हमेशा याद रखना पीपीडीटी में ऐसा होता है 8 से 10 के ग्रुप में 2-3 ऐसे लोग जरूर होंगे जो बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, बोल लेते हैं. कुछ लोग थोड़े से नहीं बोल पाते, ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते. बट माय सजेशन टू यू इज नेवर गेट परसुएडेड बाय देम कि वो ज़्यादा बोल लेते हैं तो वो आ जाएंगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद योर व्यूज, स्टे फोकस्ड एंड कीप देम अलाइन विद द इंडियन आर्म फोर्सेज एंड कीप देम समथिंग विच आर हैविंग अ मिशन एंड अ मोटिव एज आई गेव यू एन एग्जाम्पल. The moment you do it, you will crack through the SSB and you need not have to copy anyone. But yes, you have to be a very good listener because that will going to come as a knowledge to you in one way or the other, right?